है अपने टॉप पे स्कूल के आसपास, यहाँ पे आज लूट रही है टीम टपाटप। यूजुअली अगर जब हम इनको देखते हैं तो यहाँ पे नहीं आते, यूजुअली ये टीम यासनिया पोलियाना जाना पसंद करती है। वहां पे अच्छी लूट करने के बाद आगे बढ़ते हैं, बट अभी के लिए जोनाथन को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है गमला बॉय की तरफ से। एंड ये पहला नॉक मैं देखना चाहूंगा क्या कन्फर्म इसको कर पाते हैं या नहीं रहे नहीं, हैं, शायद वो थोड़ा सा दूर है। एंड मैं देखना चाहूंगा क्या उनको रिवाइवल बनता है। जी नहीं, काफी दूर यहाँ पे फंस चुके हैं सोमराज उनके पास आते हुए, और मेरे ख्याल से गाड़ी से उनको भी खत्म कर दिया पीछे जाएगा। तो थोड़ा रह सोमराज जाएगा ये नेट, अदरवाइज अच्छा खासा नॉक वहां पे मिल सकता था। बट ब्लैंक की साइको को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है। एक अच्छा एंगल यहाँ पे वैम्पायर ने जरूर बनाया। इस ये फाइट बहुत लंबा चल रही है, एक अच्छे नॉक और फिनिश की जरूरत है ताकि इस फाइट को अंजाम दिया जा सके। दोनों मिले और मौका यहाँ पे मिलता हुआ ब्लैंक के एक्सपेन आगे जरूर गए। एक शॉट लिया, एक प्लेयर को नॉक भी यहाँ पे जरूर कर दिया है, बट कवर फायर में उनको भी नॉक कर दिया जाता है। इग्नाइट सामने है, साइको के शॉट दिए जा रहे हैं यहाँ पे उजी के। थोड़ा स्मोक था, विजिबिलिटी इतनी भी क्लियर नहीं थी, बट फिर भी वहां पर नॉक अच्छा निकाला गया। खेला अभी उन्होंने आंगल भाई। वो हायर ग्राउंड पे लेके इंतजार कर रहे हैं कब यहाँ पे कोई प्लेयर आएगा। अभी प्लेयर भी यहाँ पे आता हुआ जाएंगे, टॉप शॉट लेने की कोशिश, शानदार ड्रॉप शॉट रेड की तरफ से नॉक करेंगे और सीधा फिनिश करते भी नजर आ जाएंगे। भी यहाँ पे आ चुके हैं, एक प्लेयर गवा चुके हैं। विलियम्स अभी भी नॉक पड़े हैं। F1 LS क्या सर्वाइव कर पाएंगे? स्मोकी ऑलमोस्ट फुल एचपी उनके यहाँ पे हो चुकी है, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इग्नाइट को रिवाइव दे दिया जाए। देखिए दोनों के बीच में ये स्क्रिमिश अब अलग लेवल पे जा चुके हैं। कभी लग रहा था कि टीम ब्लाइंड जीतने वाली है, कभी लग रहा था कि टीम यहाँ पे F1 LS जीत के जाएगी, और अभी भी दोनों के बीच में ये स्क्रिमिश अलग लेवल पे जाती हुई। स्मोकी मेरे ख्याल से इग्नाइट को यहाँ पे जरूर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे एक शानदार शॉट भी कनेक्ट किया। स्मोकी खुद भी डैमेज होते हैं, एक अच्छा नहीं रहा था वो ब्लाइंड के एक्सपेन का, और नॉक भी कर दिया जाएगा। मीनवाइल टीम सोल भी जॉर्जोपुल कंटेनर्स तक पहुंच चुके हैं, एंड मैं जरूर देखना चाहूंगा वहां पे किस तरह से वो होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन पे। एंड वहां से उनकी भी देखा से एक ओपनिंग मिल चुकी है, शॉट देने की कोशिश यहाँ पे स्कॉट के भी करते हुए। थोड़ा सा अच्छा एरिया वहां पे था, मॉर्टल वहां पे नॉक करके जाएंगे, एंड आई थिंक गाड़ी से नॉक हुए हैं मॉर्टल। मैं देखना चाहूंगा क्या उनको फिनिश कर सकते हैं या नहीं। मीनवाइल वाइपर एक अच्छा टीपीपी एंगल यहाँ पे होल्ड करते हुए, बट मीनवाइल यहाँ पे मॉर्टल को खत्म भी कर दिया जाता है। वाइपर एक अच्छा यहाँ पे टीपीपी एंगल होल्ड करके बैठे हैं, स्पॉट करने की कोशिश करी। स्पॉट बात करी जाए तो टीम सोल के प्लेयर्स होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक कंफ्यूज जो पानी में थे उनको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया, तो अलग अलग रहना थोड़ा सा भारी पड़ा। लुक एट द ब्लाइंड की एक्सपेन, आई थिंक ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग क्या यहाँ पे नॉक कर पाएंगे जीगोट उनके सामने, पर टीम का पता सके जीगोट कोशिश कर रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी फायर में आई थिंक वहां पे उनको खत्म करा गया। क्लच गॉड यहाँ पे एक जरूर स्मोक करेंगे, अपने प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। यो एक अच्छी पोजीशन यहाँ पे होल्ड करी हुई है, क्लच गॉड भी वहाँ पे अभी होल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे, बट ड्रोन के अंदर जाएं कैसे? पीछे से भी यहाँ पे शॉट आते हुए निगमा की टीम बैक स्टैप करती हुई आपको टीम टपट आपको नजर आ जाएगी। नियो वहाँ पे अभी भी होल्ड कर रहे हैं, एंड आई वुड लव टू सी क्या यहाँ पे वो एक जोन में जो एंट्री है वो यहाँ पे कर पाएंगे या नहीं। बट अभी के लिए मेरे ख्याल से टीम सोल को तैयार हो जाना चाहिए, बिकॉज स्काइलाइट गेमिंग भी जोन में जाना चाहता है, बट स्काइलाइट गेमिंग इफ दे वांट टू गेट इन द जोन दे हैव टू टेक डाउन टीम सोल। एक मोलोटोव यहाँ पे प्रीएम्प्टिव करते हुए वाइपर आपको दिख रहे हैं, बट अभी के लिए ये फाइट नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी। सोल वाइपर यहाँ पे एक अच्छा नॉक निकालते हैं, सोल वाइपर दो अच्छे नॉक निकालते हुए। मार्कस गेमिंग जॉर्डन यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के रॉक्स को भी टेक डाउन करेंगे। सोल वाइपर विंटेज रूप में यहाँ पे आ चुके हैं, एंड मैं जरूर देखना चाहूंगा यहाँ पे कि किस हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। एंडी स्नैक्स यहाँ पे आ रही है, सीडी को भी टेकडाउन करते हुए सांगवान यहाँ पे 7-6 के सारंग को टेकडाउन करेंगे। CG7 एनिमा की तरफ से जी गॉड को डाउन कर देंगे। टीम टपट अप की एंट्री वैसे थोड़ी सी मुश्किल थी, मैं देखना चाहूंगा क्या उनको एंट्री मिल पाती है या नहीं। मीनवाइल TSM FTX के एक्विनॉक्स माउंटेन पे एक अच्छा एंगल यहाँ पे जरूर होल्ड कर रहे हैं। साथ ही राइट हैंड साइड पे आपको टीम सोल भी दिख रही है, टीम एनिमा भी दिख रही है, तो एंट्री इतनी तो आसान नहीं होने वाली। वही ज़ैब्ज़ैब आई थिंक जोन के अंदर आने में कामयाबी पा सकते हैं अगर वो अपने अपोनेंट्स को टेक डाउन कर देते हैं। आई मीन वल्टी एनिग्मा भी यहाँ पे नॉर्दर्न साइड पे फाइट लेता नजर आ जाएगा। टीम ऑरेंज रॉक से बिना डरे बिना रुके गाड़ी में बैठे और सारे प्लेयर यहाँ पे जोन के अंदर आते हुए। मीनवाइल टीम सोल भी मेरे ख्याल से अब थोड़ा जोन के बाहर फंस चुका है। वाइपर अकेले प्लेयर बचे हैं, अब अकेले प्लेयर बचे हैं क्योंकि स्काउट ऑलरेडी थोड़ा सा पहले ही जोन के अंदर जा चुके थे। TSM FTX एक्विनॉक्स अभी भी वहां पे होल्ड कर रहे हैं, एंड मैं जरूर देखना चाहूंगा उनकी जोन के अंदर की रोटेशन कैसे होती है, जोन के अंदर एंट्री कैसे लेंगे। मेरे ख्याल से अपने प्लेयर को पहले रिवाइव करना पड़ेगा, उसी के बाद वो जोन के अंदर एंट्री ले पाएंगे। और आदित्य अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, देखिए एक ही फर्स्ट एड उनके पास हो रहा है। डेस्ट्रो वहां पे परेशानी में आते हुए, नियो बहुत देर से सर्वाइव कर रहे थे और नियो शानदार तरीके से आगे भी सर्वाइव करते रहेंगे। देखिए अकेले प्लेयर बचे थे, तीन फिनिशर निकाल चुके हैं। कुछ एक समय पे ऐसा लग रहा था जोन के अंदर एंट्री हो ही नहीं पाएगी, बट नदी क्रॉस करी, ऑलरेडी पोजीशन में आए और तीन फिनिशेस भी निकाले। नियो अपना मैजिक रेसन एंगल पे काफी अच्छी तरह दिखाते हुए मार्कोस गेमिंग कितने ज्यादा पॉइंट्स लेके जा सकती है। मीनवाइल मार्कोस गेमिंग सूर्या एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे लेते हुए शॉट देने की कोशिश, M4 के साथ डैमेज भी देंगे रिवेंज के फाइनल बॉस को। वहां पे स्मोक भी अच्छा करा हुआ है, बट इतने सारे ओपन एंगल्स हैं कि कहीं ना कहीं से उनके प्लेयर्स विजिबल हो जाते हैं। रिवेंज के सुनामी को नॉक करा जाता है एक शानदार नेड से TSM FTX की तरफ से। TSM FTX निंजा
कि इनका भी खेल अभी खत्म हो चुका है, छह टीमें 16 प्लेयर्स यहाँ पे बच चुके हैं। स्लेयर के पास एक एमके आपको जरूर नजर आ जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का वेस्ट है, एक लेवल 3 बैग भी उनके पास है। एक अच्छा नेड आएगा यहाँ पे, उनको भी नॉक कर देगा। टीम आईएनडी आतंकी लास्ट मैन स्टैंडिंग, रिवेंज के सोने का एक और नेड है। क्या एक और नेड यहाँ पे आ सकता है? एंड टीम आईएनडी के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा दूर हैं, क्या वहां पे जाएंगे अपने प्लेयर को रिवाइव करने के लिए? अभी के लिए मेरे ख्याल से जोन को प्रायोरिटी देना ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ही वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, शॉट्स उनके ऊपर आते हैं, वापस कूद के पीछे गए हैं। क्या स्नैक्स को रिवाइवल पॉसिबल है? जी हाँ, आई थिंक एक स्मोक करेंगे स्नैक्स, एक्चुअली एक नेड उनके हाथ में आता हुआ, प्रीएम्प्टिव नेड है, अगर कोई उनके ऊपर आएगा तो जरूर उसको डैमेज मिलेगा। टू सी जिस तरह का प्रदर्शन ये टीम आईएनडी करते हुए नजर आती है। रिवेंज की बात करें, रिवेंज की बात अगर करें तो उनके भी चारों प्लेयर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंदा है। देखिए, अगर आप फाइनल सर्कल्स में चारों प्लेयर के साथ आ जाते हैं तो जीतने के जो आपके चांसेस है ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग। अभी के लिए मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे कितने ज्यादा पॉइंट्स वो हासिल कर सकते हैं। आगे जाना है, 6 मीटर का यहाँ पे सफर है, स्लेयर यहाँ पे गए जरूर है, बट ओपन में से ही जाना पड़ेगा, खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। और वहां पे नॉक होता है प्लेयर नजर आए, ग्लोबल स्पोर्ट्स के फियर सब आखिरी प्लेयर बचे हैं, सामने है आतंकी। It's going to be one versus one. लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पे आतंकी के पास ये है कि स्लियर अगर स्पॉट कर सके फियर्स को तो पोजीशन यहाँ पे रिवील करा सकते हैं शॉट देने की कोशिश। मेरे ख्याल से फियर्स ने यहाँ पे स्पॉट करा हुआ है स्लियर को, शॉट भी यहाँ पे जरूर देते हुए आईएनडी के आतंकी। इट्स अ 1v1 सिचुएशन, फियर्स को कोई अंदाजा नहीं है प्लेयर कहाँ है, आतंकी को फिर भी मेरे ख्याल से पता है कि प्लेयर कहाँ है। एक सप्रेसर लगा हुआ है तो वो हेल्प कर रहा है, बट एक जनरल आइडिया है कि कौन सी डायरेक्शन से वहां पे शॉट आ रहे हैं। स्लियर को खत्म कर दिया जाता है फियर्स के द्वारा, एक 1v1 बैटल, टू चैंपियन प्लेयर्स आतंकी वर्सेस फियर्स। कौन बनेगा यहाँ पे पहले मैच में चैंपियन, ये हम जरूर यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ये सप्रेसर बहुत काम आया फियर्स के, अगर ये सप्रेसर ना होता आई एम डैम श्योर कि इनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हो जाती। आईएनडी के आतंकी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। देखिए, ये एक कैट एंड माउस का बैटल है, हाइड एंड सीक का बैटल है, जो पहले स्पॉट करेगा उसके पास एडवांटेज आएगा, वो यहाँ पे जीत जाएगा चिकन डिनर। एंड मेरे ख्याल से फियर्स ने स्पॉट किया, डैमेज भी दिया, यहाँ पे क्या चिकन डिनर मिलेगा ग्लोबल स्पोर्ट्स को? जी नहीं, डैमेज जरूर दिया बट अभी भी वो सप्रेसर यहाँ पे उनके काम आता है। जी हाँ, शॉट देते हुए एंड शानदार चिकन डिनर यहाँ जाती है जब तक जोन यहाँ से नहीं जाता, और अभी जोन यहाँ से जाने में थोड़ा समय है, बट वो नॉक, वो सिग्नल यहाँ पे मिल गया, और अब इस सिग्नल के बाद आई डोंट थिंक टीममेट में टुकने वाली है, तो कोई चांस ही नहीं बनता, बिकॉज कोई खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। डेल्टा पीजी सूर्या को भी डाउन कर देंगे, बेस्ट गॉड इज ऑल अलोन, मूवमेंट पर मजबूर कर दिया, स्टेप्स यहाँ पर मिले और आई थिंक मैच तो अभूत यहाँ पर हो जाएगी टीम मार्कोस के। ये एंगल बहुत अच्छा है, कोई भी प्लेयर ओपन में आता है तो जरूर उनको नॉक कर सकते हैं, बट अभी के लिए F1LS के स्मोकी, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जीतना। आइकोनिक यहाँ पे आते हैं, एक अच्छा नॉक यहाँ पर उनको मिल जाएगा, पीछे जाने में अगर कमी भी पाली दैट इज अ गुड वन, डबल नॉक यहाँ पे हो जाएगा। तीसरे प्लेयर को भी सांगवान नॉक करते हुए टीम F1LS सडनली बैकफुट पे जा चुका है। ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑन अ रोल, पहला मैच जीतने के बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। एक और प्लेयर यहाँ पे स्पॉट करते हैं सांगवान, उसको फिनिश भी करेंगे, एक शानदार आईजीएल वाला इंपॉर्टेंट गन रहती है, काफी सारे प्लेयर्स हैं जो इसे यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है कि सिनेरियोस कैसे रहने वाले हैं। अभी देखिए एस पावर इतनी ऊपर है, क्रॉस एयर ऊपर प्लेस कर नीचे से यूज करते हुए बहुत कम देखा है, बट हाँ एक्सो के सेंस ही आपको मिलेगा डाउन द रेंज और मौका कन्वर्ट कर सकती है यहाँ। बिल्कुल, दूसरी तरफ टीम सोल भी यहाँ पे एक बैटल में एंगेज हो चुकी है, साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी भी उनके ऊपर होती है। मेरे ख्याल से ओजी के साथ यहाँ पे फाइट हो रही थी, बट टीएसएम एफटीएक्स सही टाइम पे आए। जी नहीं, ओजी के एश यहाँ पे खेल रहे थे टीएसएम एफटीएक्स के साथ, एंड काफी अच्छा वहां पे नॉक बचाया। एक साथ खेलने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे काफी अच्छी प्रदर्शन तो कर ही रही है, बट ये थर्ड पार्टी से बचना मुश्किल होगा क्योंकि इनके सामने आ चुकी है टीम टबनअप। जैसे ही वहां निंजा ओपन में गए उनको नॉक करा जाता है, और यहाँ पे मुश्किल में फंस चुकी है टीम टीएसएम एफटीएक्स। जोनाथन वहां पर अभी के लिए मिड रेंज में एक नॉक निकालता है, शैडो आयरन साइड डैमेज देने का प्रयास, नहीं वहां पर एक ग्रेनेड आता है, जोनाथन यहां पर अभी के लिए डोमिनेट कर चले जाएंगे। फिनिश मिड में जोनाथन का नाम आए और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ना हो ऐसा मोस्टली होता नहीं है, 4 फिनिश पॉइंट्स उनके पास जाएंगे। जोनाथन टेक दैट 1v3, ओपन में यहां पर अर्जुन फंसते हुए नॉक यहां पे हो जाएंगे तो खत्म भी होते नजर आ सकते हैं। शॉट दिया यहां पे फियर्स ने, क्या नॉक कर पाएंगे? जी नहीं, बहुत क्लोज था, देखिए थोड़ा सा गलती यहां पे जरूर करी फियर्स ने, ये नॉक होना चाहिए था। और फाइनल एक प्लेयर एक बार गलती करता है, बार बार गलती नहीं कर सकते आप, और वही टीम है जो बेहतरीन ग्रेनेड्स भी कर रही है, तो कुछ बेहतरीन एंगल्स भी उनके काउंटर में रखने ही पड़ेंगे। मीनवाइल जोनाथन टॉप फ्रैगर फॉर अ रीजन, निकालेंगे एक बार फिर से बढ़िया नॉकआउट, और जो स्टार्ट चाहिए रहती है, जो ओपनिंग चाहिए रहती है एक 4v4 की फाइट के अंदर, वो जोनाथन ने ऑलरेडी दे दिया है। मैं बात कर रहा था फ्लैंक की, बट वहां पर बाकी प्लेयर्स ने डायरेक्ट स्लैम इन डाल दिया, ज़ीगोट का फोर गियर और ज़ीगोट का स्प्रे दोनों ही बहुत ज्यादा ओपी। 7 सीज की टीम काफी
ज्यादा मुश्किलों में, चार में से दो प्लेयर्स अभी के लिए नॉकआउट हो चुके हैं। जिस तरीके से लियो और ज़ीगोर्ड आगे बढ़ रहे हैं, आसान नहीं रहने वाला ये सेवन सीज के लिए बचकर निकल जाना। फ्रेंड्स एक लोअर ग्राउंड पर गाड़ी लेके क्लच कॉर्ड पहुंच करते हैं, बट मुश्किलें बढ़ाते हुए यहां पर वापस से सेवन सीज के फ्रेंड्स इंस्टेंट पनिशमेंट उन्हें वहां पर मिल जाती है। बचे गए सिर्फ सारंग जिनके पास एक स्नाइपर है, क्लोज रेंज में उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। देयर यू गो, दो प्लेयर्स नॉक है, दोनों को रिवाइवल कर देंगे और 8 फिनिश पॉइंट्स। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम टपटप they are looking dangerous, they are looking really dangerous for the team. So main dekhna chahunga ki wo kitne points pe khatam karte hai, kya ek 20 bomber 20 kill 20 finish points ke sath ek chicken nikal sakti hai team Tabatab. Meanwhile Enigma CG ki baat kare, spray dene ki koshish thoda niche aata nazar aayenge, but balance out of balance the sambhala apne aap ko aur wapas knock bhi kar diya. Kono ki talash pe ji Enigma CG 7 with a 1v2. That was really good coming in from Enigma CG. Opening call nikalne wala hai. Somaraj meanwhile came to 49 weapon ke saath, and there you go. Grenades ke adan pradan ki baat ho hi rahi thi, to it's Global Esports who is coming up with a great opening, coming up with that grenade, and Dark is the name. Clutch God off guard angle create karne ki koshish zarur se karenge. Dark ka ek aur grenade aata hai. Z God ko acha khasa damage milta hai, but dekhne wala ye scenario rahega ki compound chhod ke Global Esports ki team bahar ka baat hi attack karne ke liye ek aur grenade aaya. Z God ko bachna padega. Galat disha mein yahan par prone down zarur se ho chuka. पॉसिबल नहीं रहेगा, बट नेड परेड की बात करें हम यहाँ पे मायावी, लुक एट दैट कमिंग इन फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्ट्स, बैकवर्ड डिफेंस अच्छा करते हैं, थ्रोएबल्स ऑन पॉइंट जा रहे हैं, पोजीशन रिवील करके बढ़िया ग्रेनेड स्पैम कर जाती है। वो क्लच गॉड को छोड़ेंगे थोड़ी, डार्क नाम का उसका खिलाड़ी है, एक ही खिलाड़ी बचा हुआ था, टपाटप कौन पॉइंट्स पे गया था, बहुत लो ऑन एचपी हो गए थे। क्लच गॉड आई थिंक डार्क के लिए भी वहां पर एक बेहतरीन 1v3 साबित हो सकता था। मेरे ख्याल से अब फाइट होते आपको नजर आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं वो जोन के बाहर फंस चुके हैं और एंट्री लेना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। एंड हियर यू गो, एक एक करके डैमेज खाते हुए ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, ठीक है कॉर्नर पर रुके हुए थे, हर वो एरिया डिफेंड कर दिया, बढ़िया फिनिश पॉइंट्स मिल गए, बट बात वही आ जाती कि आप जोन के अंदर टाइम टू टाइम नहीं पहुंच पाओगे। रिवाइव करने की कोशिश करेंगे सोमराज, यहां पे क्लच गॉड को भी टेक डाउन करते हुए, इसी के साथ टीम टपटप भी एलिमिनेट होता नजर आएगी। यहां पे मौका आया हैकर पंक के पास कुछ मैजिक करने का, एंड दिस प्लेयर इज जस्ट स्टेपिंग अप एट द राइट टाइम। पंक जरूर डैमेज जरूर खाए, आप प्रो नॉक यहां पे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नॉक निकाल पाएंगे, एक और नॉक, लुक एट हिम गो। यार हैकर इनके नाम में है, बट इनका काम भी कुछ इस तरह है, स्मोक के बीच में से रैंडम स्प्रेस में प्लेयर्स को नॉक करते हुए। आई थिंक एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है वहां पर GXR का, ज्यादा कुछ मौका दिया नहीं वहां पर GXR को, और किस तरीके से नाव पर पंक ने स्मोक्स के बीच में से सारे प्रेडिक्टेड फायर्स, आई थिंक प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है इनकी, जब बारी आ जाती है जोन की और जब बारी आ जाती है वहां पर प्री फायर्स देने की। आखिरी प्लेयर बचे थे उन्हें भी डाउन कर दिया। टीम एक्सो के बिल्कुल आगे जाने की कोशिश उनकी कर रहे हैं, जो एक्सो के स्मोक है उनमें जाने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही थी, क्या कवर उनको मिलेगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई परेशानी होगी स्काइलाइट गेमिंग को चिकन निकालने के लिए, 8 फिनिश निकाल चुके हैं, गुड ऑन कॉल को स्पॉट किया, आता हुआ नजर आएगा। ये नेड अगर कनेक्ट हुआ दैट वुड बी रियली अमेजिंग, बट नेड आने से पहले ही खड़े हो गए वन पे उनको, और उनको भी टेक डाउन कर दिया गया एक्सो के इमॉर्टल का। बट पुकार के इस नेड की पुकार कहां तक जाएगी मैं वो देखना चाहूंगा। पंक बचो, नहीं बच पाएंगे बिकॉज वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा बेहतरीन था। देखिए ड्रॉप क्लैश कहीं भी हो बहुत मजा आता है, बट स्पेशली इन दो टीम्स के बीच में हो तो मजा तुगना हो जाता है। क्लच गोड़ाते ही ग्लेक्सी डिसेस एमजे को नॉक करेंगे, और यही तो बात है, ड्रॉप आप कर रहे हैं, आपके हाथ में करना ही है, ओपोनेंट के हाथ में करना ही है, एंड आपको उसका बेनिफिट मिलता है। यहां पर नजर आया पे अगर बात करें जाए तो दो कमाल के वेपन्स थे, बट मैक्स क्लैश यहां पे क्लच गॉड को भी नॉक करते हैं, गमला बॉय यहां पे फिस्ट करके आईजीएल सीखने को खत्म करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ गॉडलाइक की फाइट चल रही है स्काइलाइट्स गेमिंग से, तो दूसरी तरफ यहां पे गैलेक्सी रेसर्स बिटते हुए नजर आ रहे हैं आपको टीम टपटप से। It's not only GXR versus Tapatap, I would say Marcos Gaming भी यहाँ पर काफी ज़्यादा interested आने में, Jonathan goes down as well, it's only Neo जिनके ऊपर अब काफी ज़्यादा responsibilities आ चुकी है, ये आसान नहीं रहेगा, काफी दूर है वहाँ पर Z-God, हाथ में सिर्फ एक DBS है, बहुत मुश्किल है। सामने से GXR के MJ surprise attack, DBS का shot connect होता तो शायद दिक्कतें बढ़ सकती थी, but नहीं, Ultron यहाँ पर अपने लिए finish point secure कर देंगे, चारों की exclusive weapon QBZ का इस्तेमाल, knock करना उतना मुश्किल नहीं, नीचे आपको मिलेंगे वो खिलाड़ी slam in करने का, ये बिल्कुल सही समय है, MJ को heal करने का भी बेहतर समय मिल चुका है, clutch code को पूरी तरीके से finish off कर दिया जाएगा, but नीचे कोई ना कोई अभी भी रुका हुआ है।
बिल्कुल नीचे अगर बात की जाए तो नियो है, उनके पास एक वेक्टर है जो क्लोज रेंज में उनका काफी मदद कर सकती है। देख स्प्रे देने की कोशिश करिए, एक प्ले को नॉक करते हुए खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिया खत्म करते हैं, दूसरे प्ले को शॉट लेंगे, बट अल्ट्रॉन का जंप शॉट काफी शानदार साबित हो गया। अग्रेसिवली यहां पर बढ़ती हुई टीम रिवेंज के अगेंस्ट में, क्या ग्रेनेड एक बेटर ऑप्शन हो सकता है? नो, ऐसा पीक बिल्कुल भी नहीं आप दे पाएंगे। वह दो दो प्लेयर्स है जो बिल्कुल तैनात थे उस पीक के लिए। क्रॉन्टन ओपन में अपनी बॉडी एक्सपोज कर जाते हैं, वैसे ही वहां पर हेलमेट वेस्ट नहीं था उनके पास, तो क्रॉन्टन का नॉक होना वहां पर ऑलमोस्ट तय ही था। अकेले बचे गॉडल की जाना है रिवेंज के अक्षय, जो दो फिनिश निकाल चुके हैं। देखिए शुरुआत तो अपने टीम को दिला चुके हैं, थर्ड फिनिश की तलाश में, थर्ड प्लेयर को ऑलमोस्ट नॉक कर दिया। अभी पिक्सल दिख रहा है, एंड ही वुड डू इट, 1-3, व्हाट अ प्लेयर रिवेंज अक्षय इज टर्निंग आउट टू बी। साथ में एफएनएल के वैम्पायर 16वें पायदान पर टीम गॉड लाइक के एलिमिनेशन। मीनवाइल जीएक्सआर मार्कोस गेमिंग, जो सिनेरियो बूट कैंप पे शुरू हुआ था वो अभी तक भी जारी है, और जो ग्रेनेड वैम्पायर करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मंजिल ढूंढ ली है। अभी एक ग्रेनेड किया था, एक और यहां पर मौका, और इस बार माइक्रो ओसी के साथ ऑरेंज रॉक की टीम। थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है इनके लिए ये वाला मैच, बिकॉज वैक्सी को हमने नॉक होते हुए देखा था, डेस्ट्रो को फिनिश होते हुए देख लिया, क्या ऑरेंज रॉक की टीम अब सिर्फ दो ही खिलाड़ियों के साथ बची हुई है। जैसे कि आपने वहां देखा था चिकन डिनर, कौन लेके जाएगा, दैट्स अ बिग थिंग, कौन बनेगा चैंपियन। एंड ये सवाल मैं जनता से भी पूछ, आप भी अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पे चार्ट में कर सकते हैं, जो भी लोगों की चार्ट पे, हम जरूर आपके चार्ट पे ध्यान देंगे। अभी के लिए आईवाईडी की बात करें, रश करते हुए आप नजर आ जाएंगे स्किल्स इनका आज का प्रदर्शन। मीनवाइल वाइपर एक परफेक्ट, देखिए अपनी टीम के लिए एक सपोर्ट रोल निभाते हैं, और एक परफेक्ट सपोर्ट की तरह वाइपर यहाँ पे खत्म करते हुए स्किल्स को, जो रश कर रहे थे। बी केयरफुल, बहुत सारे लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं। रिवेंज के सुनामी को भी आपने स्पॉट किया, शॉट दिया एक बीन स्प्रे, लुक एट दैट, क्यूबीजी से एक बेहतरीन 3x के साथ स्प्रे यहाँ पे हमें देखने को मिला, एंड दैट वाज इनक्रेडिबल, दैट वाज इनसेन। किसी मुश्किलों में नजर आ रही है, मुश्किलें मेरे ख्याल से थोड़े से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स का ऑस्टिन मेरे ख्याल से अंदर एंट्री अच्छी ली, बट ट्रेड में वहां पे उनको नॉक कर देगा। CG7 भी अभी होल्ड करें, के बीजी ने एक कॉर्नर होल्ड कर रखा था, बेहतरीन कॉर्नर। एनर्जी टॉप डॉग, व्हाट आर यू डूइंग देयर, कंबाल का वहां पे होल्ड देखने को मिला, और बिना कॉर्नर चेक करे जब एंट्री कर दी तो बैकफुट पे लेके गई वो टीम एनिग्मा को। वीरू 999 अभी भी वहां पे बरकरार है, और मैं देखना चाहूंगा क्या वीरू यहां पे नॉक कर पाएंगे। उनके हाथ में पूरा का पूरा स्प्रे वहां पे करते हुए, आई थिंक प्री फायर का अच्छा इस्तेमाल करा उन्होंने, बट अब रीलोड भी कर लेंगे, बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाते ही मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्या टॉप लोग यहाँ पे दोबारा से अंदर एंट्री लेना चाहेंगे? जी हाँ, कोशिश तो वही कर रहे हैं, लेकिन अब सारा जो मामला है वो रीसेट होते नजर आएगा आपको, क्योंकि रिवाइवल मेरे ख्याल से यहाँ पे होने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर टॉप डॉग कौन कहता है कि मतलब फाइट्स जब हेड टू हेड होती है तो जिगल करना जरूरी रहता है। एक बार रिवाइंड करके टॉप डॉग ने जो फिनिश अप निकाला था वो भी आप चेकआउट कर लेना। पैराडॉक्स बचेंगे, पूरी एचपी उनके पास, और ये ऑलमोस्ट जोन के अंदर जा ही चुके हैं। अब जितने प्लेयर्स यहाँ पर बच जाएंगे उनको पैराडॉक्स देख लेंगे। मीनवाइल टॉप डॉग अपने क्लच के साथ आगे बढ़ते हुए, तीनों प्लेयर नॉकआउट है, रिवाइवल देने का कोई खास चांस यहाँ पर बचता नहीं है। गेट के बीच में से उधर से पैराडॉक्स, और यहाँ पर ये ग्रेनेड, ये आखिरी ग्रेनेड है, ये डिसऑर्डर ग्रेनेड है, ये डैमेज देकर जाएगा एनिग्मा हु। ओके, ये ग्रेनेड यहाँ पर अभी फिनिश पॉइंट में आपको बता देगा कि कितने यहाँ पर उस ग्रेनेड ने नॉकआउट फिनिश पॉइंट सिक्योर करे हैं। मीनवाइल रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के पैराडॉक्स ऊपर से आया, थोड़ा सा डैमेज और चौकन्ने हो गए कि ना सिर्फ सामने ऊपर से भी मेरे लिए खतरा है अभी। पल अभी के लिए देखिए, मुझे लग रहा था रेवेनेंट काफी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि जैसे ही एनिग्मा का कोई प्लेयर बाहर आता तो रेवेनेंट के पैराडॉक्स उनको नॉक करते नजर आते हैं, लेकिन अब पैराडॉक्स भी मुश्किल में फंस चुके हैं। एनिग्मा यहां पर अभी के लिए अबॉलिश कर दी जाएगी। स्पॉट किया, रडार में ढूंढ रहे थे, देयर यू गो, एक डॉग, गिनती के बुलेट्स के अंदर गया, पर रिवेंज के सोनिक को कर दिया नॉक, एंड डायरेक्टली फंड करने के बाद बूट कैंप के रीजन को, आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने सेफ गार्ड करा था बारी आ जाती है उससे आगे बढ़ने की, बिकॉज जोन से थोड़ा सा दूर हो गया जी एक साल के खिलाड़ी भी। देखिए बिल्कुल, बट INT का यहाँ पे एडवांसमेंट आता है, एक हारे ग्राउंड पे यहाँ पे रिगल्टो से नॉक कर दिया जाता है। मॉर्टल उनको यहाँ पे रिवाइव करने जरूर आ चुके हैं, रिवाइव कर रहे हैं टीम INT के प्लेयर्स, जरूर वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स देखिए जोन के बाहर फंस चुका है, बूट कैंप के अंदर है, उतरे यही थे, अभी तक यही है, 6 finishes निकाले के अंदर भी, ये लेट लेट के आगे चले गए, तो GXR के हाथ का फाइट निकाल कर लेकर आ गए थे। ऊपर चढ़े हुए स्काउट ने स्पॉट कर लिया, ग्रेनेड आ रहे, रिगल्टो से टाइम पूरा था कि को स्टार्ट करते हैं, यू को स्काउट ने जिसको स्पॉट किया था उन्हें बिल्कुल उसी समय पनिशमेंट दे दी गई है, नॉक कर दिए गए हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स के डार्क एक्शन के अंदर वापस आते हुए 7 सीज के सारे को वहां पर डाउन कर दिया जाता है, पर हाई ग्राउंड पर चले सोल के प्लेयर्स, आई थिंक हर खिलाड़ी अलग अलग जगह पर फाइट ले रहे हैं। स्काउट आपको एक्सो से फाइट करते हुए मिल जाएंगे, रेगल टॉस INT को देख रहे हैं, टीम सोल के मॉर्टल ग्लोबल स्पोर्ट्स के साथ एंगेजमेंट ले रहे हैं। अगर कलेक्टिव ये सब कुछ मुमकिन हो गया तो टिल दी वेरी एंड यहां पर टीम सोल के जो फिनिश पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं।
देखिए बिल्कुल यहाँ पे नॉक हुए आई थिंक सोल के भाई पर, तो वहाँ पे एक एंट्री का मौका मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे टीम एक्सो को एक एंट्री का मौका मिला। एंट्री करते हैं, नजर आ जाएंगे स्काउट वहाँ पे होल्ड करें, स्काउट शॉट लेने की कोशिश करते हैं, बट हैकर पंक को पता चल चुका है स्काउट की लोकेशन एंड हल्का सा भी पीक आएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे टीम एक्सो बिल्कुल तैयार है शॉट लेने के लिए। एक नेट भी आता हुआ, कवर भी आएगा, मॉर्टल एक शॉट लेंगे, एक नॉक करेंगे, बट नॉक उनको भी कर दिया जाएगा। क्या यहाँ पे स्काउट कुछ मैजिक कर सकते हैं? अभी भी वहाँ पे बरकरार है एचपी का आपने कहा था ऑरेंज रॉक के पास नंबर एडवांटेज नहीं है, बट वो दो खिलाड़ी अभी तक भी जोन के अंदर किसी ना किसी तरीके से अपनी जगह सिक्योर करके टॉप 5 तक आ ही चुके हैं। बट रेगल्टॉस को भी ट्रेड में यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। टीम सोल मॉर्टल अब आखिरी प्लेयर बचे हैं एंड मेरे ख्याल से रैंडम शॉट्स आते हुए सेंसे की तरफ से, इट्स ऑल अबाउट वन बुलेट मायावी, वो एक बुलेट क्योंकि मॉर्टल के पास बिल्कुल एचपी नहीं और वो आई दलजीत वहां पे एक सोल रिगल्ट उसको फिनिश करेंगे और सेंसे आई थिंक यहां पे मॉर्टल को फिनिश करते नजर आएंगे। बिल्कुल अभी के लिए इतनी हीलिंग्स उठाई थी इन्होंने, शायद अब उतनी ज्यादा काम में आएंगी नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता ये हिल पल का सारा लेके जाने वाले हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम जो पहले मैच में चिकन डिनर लेकर जाती है वो अभी तक भी एक अच्छे स्पॉट पर मैच के टॉप 3 में एक बार फिर से तीनों मैचेस के अंदर एक अच्छा यहां पर मैं कहूंगा डोमिनेशन हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिलता हुआ। टीम INT 3 प्लेयर्स एक नॉकआउट है, वो रिवाइवल काफी क्रूशियल है, मुश्किल है मिलना, बट एक बार अगर ट्राई करते हैं देखना चाहूंगा कि क्या वो रिवाइवल मुमकिन है या नहीं, बिकॉज अगर मिल जाता है तो नंबर एडवांटेज का फायदा होगा। सागवान बिल्कुल ओपन में प्रोन डाउन थे और जिस तरीके से सेंसी ने पत्थर के ऊपर चढ़ के हायर ग्राउंड का इस्तेमाल करा, आई थिंक ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए मुश्किलें पड़ेगी। आइकॉनिक बचे हुए हैं, आइकॉनिक लेजेंड है, बट क्या ये क्लच होगा? क्राउच करा नॉक करने की कोशिश, बट नहीं इस बार नहीं, ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम यहां पर अभी के लिए एलिमिनेट हो जाती है और सारा का सारा दारमोदार एक बार फिर से टीम INT के ऊपर। एक्सो को रोकने का आसान नहीं है बट ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये लीजिए बोलते ही यहां पर टीम एक्सो बहुत ही बेहतरीन चिकन डिनर।